न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नीट मामले पर संसद में सरकार पर विपक्ष का वार। NDA के सहयोगी व पूर्व PM देवेगौड़ा ने भी नीट का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर संसद में चर्चा होनी थी, पर इस चर्चा के बीच आज दोनों सदनों में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। चर्चा के दौरान विपक्ष नीट परीक्षा मामले में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा है और इस पर बहस की मांग करता रहा। उधर लोकसभा में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की नीट UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामे के कारण सदन की बैठक शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामला उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने माइक शुरू करने की मांग की। उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माइक का बटन उनके पास नहीं है। वहीं भाजपा ने चर्चा की शुरुआत की तो NDA के सहयोगी और पूर्व PM देवेगौड़ा ने ही नीट का मुद्दा उठा दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।